तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है अपना डैमेज इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी 1 मिलियन तक। तो गाइस आप लोगों के इतने कमेंट आ गए कि भाई मुझे डैमेज के ऊपर लेके आनी पड़ गई वीडियो। तो गाइस आपको अगर डैमेज इंक्रीज करना है तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक देखना, फिर बोलोगे भाई मेरा डैमेज इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए बिना वीडियो को स्किप करे देखना। एंड गाइस मैंने जो है वोवर फ्लेक्स को बाई कर लिया है 210 mm में, तो गाइस ये जो है सबसे बढ़िया है। ऑल राइट, फटाफट से मैं जो है ओवर फ्लेक्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये वाला ओवर फ्लेक्स जो है मुझे आसानी से T4 सर्वाइवल करने में हेल्प करता है, जो कि सबसे बढ़िया है। एंड गाइस अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करो। एंड गाइस बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाना। एंड इस वाली वीडियो पे मैं रखता हूँ 20 लाइक्स का एम, जिसे आप फटाफट से करवा देना। तो चलो गाइस अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो गाइस अभी मैं आपको जो है स्टेप्स दिखाता हूँ, उसी स्टेप्स को आप अगर फॉलो करोगे तो आपका जो है डैमेज 101% इंक्रीज होगा। तो गाइस सबसे पहले आपको जो है रेडस्टोन का कलेक्शन आपको पूरा का पूरा अनलॉक करना पड़ेगा। गाइस अगर कुछ भी हो जाए आपको जो है रेडस्टोन का अनलॉक करना ही पड़ेगा गाइस कलेक्शन। तो गाइस रेडस्टोन को कलेक्शन अनलॉक करने के लिए फटाफट से आप जो है अपने आइलैंड्स में मिनियंस लगा देना रेडस्टोन के, क्योंकि भाई हमारा कोल मेयर जो है वो आपको जो है 25% फास्ट मिनियंस माइनिंग वाले मिनियंस वर्क करते हैं। एंड गाइस ये जो है 25% एक्स्ट्रा एक्सपी भी देता है माइनिंग की। तो फटाफट से अभी मैं जो है आपको सेकंड स्टेप दिखा देता हूँ। तो नंबर वन स्टेप था हमारा रेडस्टोन कलेक्शन अनलॉक। एंड नंबर टू गाइस आपको जो है यहाँ पे एक्सेसरी बैग आपको अनलॉक हुई मिल जाएगी। तो गाइस अभी आप बोलोगे भाई ये सारे हम भाई कहाँ से करे हैं, हमें तो पता ही नहीं ये कहाँ से भाई करते। तो गाइस आपको जो है ऑक्शन में आ जाना है। ऑक्शन में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे गाइस ये वाले जो है थोड़े बहुत हाई प्राइस के, अगर आप जो है एक नॉर्मल प्लेयर है एंड आपके पास इतने कॉइन्स नहीं है तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो 800,000, 30,000 एंड गाइस यहाँ पे बहुत सारे कम प्राइस में मिल रहे हैं, जैसे 40,000 हो गए, बहुत सारे गाइस 40,000 में आप देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको सारे के सारे बाई करने गाइस, जितने भी हो सकते हैं उतने सारे के सारे बाई करने आपको, अगर चाहे कुछ भी हो सारे के सारे बाई करना। आप देख सकते हो 1.5 मिलियन स्टार्टिंग में थोड़े बहुत रेट ज़्यादा होंगे, आपको अगर जो है पीछे आ जाना एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस इसको आपको जो है इटैची में कन्वर्ट कर देना, तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे आप जो इनको इटैची में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, अभी मैं आपको जो है एक ब्लू चेरी वाला टेलिस्मैन बाई कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे जो है थोड़े बहुत टेलिस्मैन और लगाने हैं। ऑल राइट, मैं जो है ब्लू चेरी टेलिस्मैन ले लिया है। तो फटाफट से गाइस आपको जो है यहाँ पे ब्लैक स्मिथ के पास आ जाना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको जो है इसे इटैची में कन्वर्ट कर देना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो गाइस मेरा जो है इटैची में कन्वर्ट हो चुका है। एंड गाइस इटैची में कन्वर्ट इसलिए करना है क्योंकि ये जो है डैमेज आपका इंक्रीज कर देता है। एंड आप देख सकते हो मेरे सारे के सारे जो है इटैची में कन्वर्ट करके रख दिया है मैंने। ऑल राइट, इसे भी मैं जो है यहाँ पे रख देता हूँ। ऑल राइट गाइस इसे भी मैंने रख दिया है। तो चलो गाइस अभी मैं जो है आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि क्या करना है। ऑल राइट गाइस अभी मैं वापस से आ चुका हूँ हमारे ऑक्शन में। यहाँ से मैं जो एक ग्रीन वाले टेलिस्मैन ले लेता हूँ, ग्रीन चेरी वाला, क्योंकि गाइस ये बाकी के जो है मैंने सारे के सारे लगा दिए, एक स्पाइडर वाला नहीं लगाया था, तो मैं इसे भी बाई कर लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मुझे जो है एक ग्रीन वाला टेलिस्मैन बाई करना चाहिए जेरी वाला, क्योंकि वो भी मेरे पास नहीं है। एंड यहाँ पे आपको 10K में 3K में आपको देखने को मिल जाएगा, आप आसानी से बाई कर लेना गाइस, बिट कर लेना। आपके पास अगर कॉइन्स ज़्यादा नहीं है तो बिट कर लेना, बिट की रेयर सिटी भी जो है यहाँ पे ज़्यादा है। ऑल राइट, मैं जो है एक बाई कर लेता हूँ। 4 मिलियन से कम है ही नहीं भाई, हाई लेवल के अटैची 4 मिलियन से कम है ही नहीं। तो फटाफट से मैं इसे बाई कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं जो है इसे भी इटैची में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो भाई ये तो पहले से इटैची में कन्वर्ट है दोनों के दोनों। तो आपको जो है अगर इटैची में कन्वर्ट है तो आपको कुछ नहीं करना है। एंड मैं इसे फेंक देता हूँ, नहीं भाई किसी एक सब्सक्राइबर को दे देंगे, अगर कोई आएगा मांगेगा तो दे दूंगा। ऑल राइट, फटाफट से मैं जो है एक्सेसरी बैग में इसे वापस से डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं जो इसे भी डाल दिया, तो फाइनली गाइस मेरा एक्सेसरी बैग फुल हो चुका है, लिटरली मेरा एक्सेसरी बैग फुल हो चुका है। तो अभी समय आ चुका है हमारा डैमेज चेक करने का, तो फटाफट से हम चेक करते हैं। एंड गाइस वीडियो को शुरू से एंड तक जो भी देखा होगा उन लोगों को पता चल गया होगा कि क्या करना है एंड क्या नहीं। तो चलो गाइस अभी फटाफट से मैं जो है
थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज मारता हूँ। एंड गाइस मेरा बो का डैमेज 210 के हो गया गाइस, लिटरली आपका स्वॉर्ड नहीं देता होगा इतना, राइट गाइस 300 के लोल, आपका स्वॉर्ड ही नहीं देता होगा इतना जितनी मेरी बो दे रही है। एंड गाइस आपको मैंने जो है बेस्ट पेट के बारे में भी बताया था, तो आप जो है वो वाली वीडियो पे जाके देख लेना, ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगी वो वीडियो, या फिर वहीं से देख लेना। तो चलो गाइस अभी स्वॉर्ड का डैमेज जो है 650 के दे रहा है, क्योंकि भाई अगर 10 मिलियन का बॉस होता तो ये डैमेज भी ज़्यादा देता, डैमेज जो है 800 के से ज़्यादा दे देता अगर 600 के का बॉस होता। एंड गाइस यहाँ पे मैं जो है एक ही, एंड गाइस आप देख सकते हो 800 के डैमेज जो है आसानी से दे देता है। ऑल राइट अभी चलते हैं हम वापस से हब में। एंड गाइस आप में से बहुत सारे बंदों को जो है आईलैंड में जाने की प्रॉब्लम आती है, तो गाइस ये वाली प्रॉब्लम जो है 6 to 9 o'clock तक रहती है। फेक पिक्सल के बंदे जो है पता नहीं क्या इसी ने इसे सॉल्व नहीं करते, ये जो है 5 to या फिर 4 to भी कभी कभी हो जाता है, 4 to 9 o'clock तक ये जो है सॉल्व नहीं होता, फिर वापस जो है ये मॉर्निंग सॉल्व हो जाता है। तो गाइस इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत सारे बंदे जो है एक ही बार में आईलैंड में जाते हैं, तो इसलिए ये जो है स्ट्रक हो जाता है। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड गाइस प्यारा सा गेमर टैग कमेंट कर देना। तो गाइस मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।